सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा सविता ताई, एक विनती थी आपसे। बोलिए ना भाऊ। अगर आज शाम को आप मानव को हमारे घर भेज दें तो, दरअसल मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार आ रहे हैं, बस मानव को उनसे मिलवाना था। मानव को आने दो, मैं उसको बता देती और भेज देती हूँ आपके घर। नमस्ते। चलिए गिरी जी, मैं आपको नीचे तक छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं इनामदार साहब, अब मला तुमचं म्हणणं पटते, लेकिन मैं अभी इतना बड़ा रोल नहीं कर सकता। आप मुझे चाहिए तो कोई छोटा रोल दीजिए, क्योंकि आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। सच कहूँ तो मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ यहाँ। ये क्या कर रहे हैं आप दामोदर जी? लेकिन ये सब इस तरह अचानक कैसे? मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती इनामदार साहब, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। जो होना है या जो हो रहा है, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार किया है। मैंने आपके पास छोटा रोल इसलिए मांगा, मेरे जाने के बाद आपका नाटक रुकना नहीं चाहिए। कोई रिप्लेसमेंट लेके आपका नाटक चालू ही रहना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। किससे बात कर रहे थे? वो हमारे नाटक के डायरेक्टर इनामदार साहब, उनका फोन था। बहुत बड़ा रोल ऑफर कर रहे थे मुझे, लेकिन मैंने ना बोल दिया। मैंने कहा कि मुझे अभी छोटा रोल दे दो। जो पता है सविता, छोटा रोल करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कमाल है, मैंने नाटक की बात निकाली और मेरी पत्नी ने कुछ कमेंट नहीं किया। क्या हुआ सविता, तुम रो क्यों रही हो? अपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाए? क्या छुपाया मैंने? देखो अभी भी छुपा रहे, लेकिन मैं जान गई आपके बीमारी के बारे में। लेकिन मैं डरती नहीं, मैं लड़ूंगी, लड़ते लड़ते जीतूंगी भी। मुझे दुख इस बात का नहीं कि आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन अब नाटक करते करते अभी घर में भी नाटक करने लगे। सविता ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं तो कैसी है? आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं जान गई। देख सविता, कुछ बोलो मत, कुछ बोलो मत। आप यही कहोगे ना
सविता मैं तुझे दुख देना नहीं चाहता, तुझे रुलाना नहीं चाहता, फलाना फलाना। क्या बाबा, गलती हो गई, माफ करना। सविता, तू बहुत बड़ी हिम्मत वाली है, लेकिन मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है सविता। मैं डर गया, इसलिए मैं तुझे ये बात बता नहीं सका। अरे तुझे क्या, मैंने किसी को भी ये बात बताई नहीं, लेकिन लेकिन मानव को इस बात का पता चल गया था, क्योंकि डॉक्टर ने उसको ये बात बताई। हम चाहे कितना भी लड़ ले, लेकिन मेरा जाना तो तय है। जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है मानव और अर्चना का एक होना। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उर्मिला, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या बोला डॉक्टर ने? काकी वो बोला, मैं I'm pregnant। पता नहीं मेरी जिंदगी रोज एक नया मोड़ क्यों ले रही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी खबर मुझे इन हालातों में सुननी पड़ेगी। खैर, जो हुआ सो हुआ। काकी, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाऊँ। काकी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर अश्विन का साया तक पड़े। उर्मिला, मैं मानती हूँ अश्विन ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन इस बच्चे के जरिए हम बिगड़े हुए संबंध बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं उन रिश्तों को। मतलब? देखो बेटा, एक औरत के लिए माँ बनना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, और इस अनुभव में अगर उसका पति उसके साथ में होना तो खुशियां दुगनी हो जाती हैं। मत सोचो कोई क्या कहता है, कुछ मत सोचो, क्योंकि एक औरत की जिंदगी में उसका पति का उसके साथ में होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। पति की जगह कोई नहीं ले सकता बेटा, इसलिए इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम अश्विन से एक बार बात करो, उसे उसे बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो, और अगर वो सचमुच सुधरना चाहता हो तो तुम्हारा उसके पास जाने में कोई बुराई नहीं है। आई आप ऐसा कह भी कैसे सकती हैं? आप जानती हैं अश्विन कैसा है, वो किस हद तक गिर सकता है, और आप फिर भी उसे। I'm sorry, लेकिन मुझे लगता है आपकी ये सलाह उर्मिला ताई को दुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। देखो वर्षा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या सोच के ये कह रही हूँ। उर्मिला मेरी बेटी से बढ़कर है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई भी फैसला उसे दुख पहुंचाए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में फिर से सेटल हो जाए। लेकिन अश्विन उस लायक ही नहीं है कि ताई उसके पास वापस चली जाए। उसे माफ करना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तुम क्या जानो माफ करना किसे कहते हैं? माफी ना बड़ी बड़ी दूरियां मिटा देती है वर्षा, लेकिन तुम जैसी अहंकारी लड़की ना माफी के बारे में कभी कुछ समझ ही नहीं सकती। एक काम करो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। मुझे अहंकारी कहने से पहले आप एक बार वो दिन याद कीजिए जब आपने मुझे चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था। जिस पर बीतती है ना उसे ही समझ में आता है। आप तो उन लोगों में से है जो पहले चाटा भी मारेंगे, फिर सॉरी भी कहेंगे, और फिर कहेंगे भूल जाओ मैंने तुम्हें चाटा मारा था। प्लीज वर्षा, जाने दो ना। नहीं ताई, आज मैं बोलूंगी, गलती इनकी है, दुख इन्होंने मुझे दिया है, मुझे पर आरोप लगाए जा रही है, मुझे अहंकारी और पता नहीं क्या। एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी तुम अहंकारी हो, अहंकारी हो तुम्हारे
अहंकार की वजह से इस घर की शांति भंग हो गई है। शांति मेरी वजह से भंग नहीं हुई है, शांति आपकी वजह से भंग हुई है। दिमाग खराब हो गया। हाँ सतीश जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे बहुत टेंशन है, प्लीज जल्दी घर आ जाओ। मंजू हाँ है? मंजू बेटा जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, तेरी यहाँ की जो चीजें सारी बांध ले, आज हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, मैं चाबियां भी लेकर आई हूँ। लेकिन ये सब इतने अचानक, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। आई ये सब अचानक नहीं है, और ये अकेले मेरी आई का फैसला नहीं है, मेरा भी फैसला था कि हम आज शिफ्ट होते हैं। तुम अकेले फैसला कैसे ले सकती हो? हाँ तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई? अरे कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। अरे विनोद इसमें पूछना क्या है, क्या कहना है क्या सुनना है? तुम ही ने तो मुझे कहा था ना कि जैसे ही फ्लैट तैयार हो जाएगा चाबियां मिल जाएंगी हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ कहा था लेकिन इस तरह नहीं। अरे मतलब क्या क्या इस तरह, मुझे सब कुछ नहीं सुनना है। देखो वैसे इस घर में बहुत दिन हो चुके हैं, जितनी जल्दी हम यहाँ से शिफ्ट होते ना उतना ही अच्छा है। अरे तुम्हें तो इस घर से दूर जाने का मौका चाहिए, तुम्हें इस घर से कोई लगाव होगा नहीं है? नहीं है लगाव। अरे क्यों होगा लगाव, इस घर ने मुझे दिया क्या है? इस घर ने हमेशा तुम्हें बहुत कुछ देने की कोशिश की है लेकिन तुम कभी ले ही नहीं पाई, यही तुम्हारी बदकिस्मत है। मेरी बदकिस्मत क्या करोगे? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस एक बात बताओ, मैं आज इस घर से शिफ्ट हो रही तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? मैं नहीं आ रहा मैं वापस। तुम मत आओ, मैं अकेली चली जा रही हूं। चुप हो जाओ तुम दोनों। हजार बार कहा है कि बच्चे के सामने लड़ो मत झगड़ो मत, उस पर बुरा असर होगा, लेकिन तुम दोनों की जाओ तुम विनोद जाओ, अगर हमसे अलग होने से तुम्हें शांति मिलने वाली है ना तो तुम जाओ, तुम्हारा जाना हमें मंजूर है। तुम आई तो जाओ, आई 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 तू? मैंने बहुत सोच ली, तू जा बेटा। आई मेरी बात मान विनोद, तू जा। आई मंजू के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया था, लेकिन उसका भी कोई एक तरीका होता है, कोई एक सही समय होता है। यहां आप सबकी आंखों में आंसू हैं और मैं वहां आई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे इस घर से कब जाना है यह मैं तय करूंगा, ताकि मंजू या उसकी आई। मैंने तो ये सोचा था कि वैशु की शादी के बाद तू बाबा अर्जुन आप सब लोग मेरे साथ उस नए घर में चलोगे और फिर। नहीं विनोद, अरे ये कैसी बातें कर रहे तू? हाँ जिस वजह से तूने ना चाहते हुए भी ये घर छोड़ने का फैसला किया वही गलती तू दोबारा दोहराएगा? नहीं बेटा नहीं,
रहने में अगर हम सबकी खुशी है ना, तो वही हमारे लिए अच्छा है ना? विनोद बेटा, मैं मानती हूं कि उन लोगों ने जो किया वो गलत किया, लेकिन तू बात को आगे मत बढ़ा बेटा। तुम्हें मंजू के बारे में भी सोचना होगा ना, वो अब एक बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर 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 उसके मन के खिलाफ हमने कुछ किया, उसे तकलीफ हो गई, विनोद मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस तरह आज नहीं तो कल जाना तो है ही ना तुझे, तो फिर आज क्यों नहीं? अरे तू क्यों माफी मांग रहा है विनु? तूने तूने कोई गलती थोड़ी की है, तू तो हमेशा से मेरा अच्छा बेटा था और हमेशा रहेगा। अगर दूर रहने में ही सबको खुशी मिलने वाली है, शांति मिलने वाली है, तो वही सही। आखिर मैंने मंजू को उन नलायक लोगों से छुटकारा दिला ही दिया। अब मेरी बेटी अपनी अलग दुनिया में अपने पति और बच्ची के साथ खुश रहेगी। अजय, तूने दिन में भी शराब पीना शुरू किया। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन तू एक बात सुनता ही नहीं है। क्या हुआ बेटा, तू बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ? सगळं संपलंय आई, सब कुछ खत्म हो गया है। 25 लाख से ज्यादा रुपए मैंने बिजनेस में लगाए थे, सारे के सारे हवा हो गए, डूब गए। लेकिन ये सब कैसे कब कहा, ये नहीं जानता मैं। सिर्फ इतना जानता हूं कि जिन पर भरोसा किया उन्हीं सालों ने मुझे लूट लिया। लेकिन तूने ऐसे लोगों पर भरोसा ही क्यों किया? अरे तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? तेरे खातिर मैंने अपना सारा बैंक बैलेंस खाली कर दिया, और तू अजी तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? तो जाना जा, तू पहले से मेरा दिमाग आउट हो चुका है, अब तू से और मत होगा, जा जा। अजीत, चिल्लाने से तू सही नहीं होगा, तूने गलती की है, तुझे माननी पड़ेगी। ये सारे पैसे जो तूने उड़ाए हैं ना, वो मेरी मेहनत के पैसे थे, तेरा कुछ नहीं था उसमें। कम से कम इसी बात का तो ख्याल। वाला कैसे को लगा? तू खुद कह, तू अच्छी तरह जानती है, और ये पैसा तूने कैसे कमाया? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हराम का पैसा था, हराम का, हराम में चला गया। तू क्या संदेश बना? आई आई बस आप अंदर चलिए, इसमें ही बात सुनिए। आप जो समझा इसे, मुझे सिखा रही है, मुझे क्या सही है क्या गलत है, मुझे सिखा रही है। प्लीज आप अंदर चलिए, होश नहीं है। इसने जिंदगी में क्या सही किया इसने? अरे कितनों के घर बर्बाद किया, दे घर बर्बाद कर दिया, मुझे सिखा रही है क्या सही है क्या गलत है। मानव, एक अच्छी खबर है यार। क्या? आज ही मैंने हेल्थ मैगजीन में एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में पढ़ा यार, जो कि बाबा जैसे और भी क्रिटिकल केसेस को हैंडल कर चुका है।
और मुझे लगता है हमको उनके पास ही जाना चाहिए यार। ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। क्या क्या नाम है उनका? डॉक्टर विघ्नेश पंडित। अरे यार, ये तो अपना सतीश का दोस्त है, उसने मुझे रिसेप्शन में मिलवाया था उनसे। एक काम करते हैं, उनके पास जाते हैं। हाँ। अगर उसने एक भी फोन कर दिया ना तो हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा यार। हाँ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ यार, चल। सतीश। ताई, क्या हुआ क्या? बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, मुझे लेकर हुआ। वर्षा तो घर छोड़ के जाने वाली थी। क्या? समझाओ ना उनको प्लीज। आई वर्षा, क्या हो रहा है सर? और कब तक चलने वाला है? मैं हाथ जोड़ता हूँ आप दोनों के साथ, प्लीज। हाँ, बंद करो अब ये सर। अरे तुम लोगों के झगड़े में मैं यहाँ पर मरता जा रहा हूँ। अरे मुझे क्यों बोल रहा है ये सब? बोलना है तो अपनी बीवी से बोल। तू जानता है मैं इससे माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन अगर ये चाहती है कि मैं इसके सामने ना घिसूं तो सॉरी, मैं नहीं कर सकती। एक मिनट आई, ये आप कहां की बात कहां लेके जा रही है? बात हमारी नहीं, बात उर्मिला ताई की चल रही थी। आप उसे उस घटिया इंसान के पास वापस जाने की गलत सलाह दे रही थी, इसलिए मैंने आपको। एक मिनट वर्षा, मैं सही हूँ या गलत ये तय करने का हक तुम्हें किसने दिया है? वर्षा, तुमसे कहीं बेहतर उर्मिला की फिक्र है मुझे। अरे अगर आपको ताई की फिक्र होती तो आप इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं करती। खुद को सही साबित करने के लिए आप उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करिए? उसका घर, उसका संसार। घर संसार की बातें मुझे मत सिखाओ। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अपनी सास से कैसे बात की जाती है। आपने कभी अपनी बहू से ठीक से बात की है? जो मुझसे सलीके की उम्मीद कर रही हैं आप? तुम्हें भी यही लगता है ना? क्या ही सही है? तुम लोगों को जो समझना है तुम लोग समझो, लेकिन एक बात तो तय है, जिस घर में मुझे गलत ठहराया जाता है मैं उस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूं। वर्षा प्लीज। आई प्लीज। श्रावणी जी। पापा, मेरा मानव को जरा फोन लगाओ, सब मेहमान लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, जरा पूछो कहाँ तक पहुंचा। जी पापा, एक मिनट अभी आके। हेलो। हेलो मानव। श्रावणी, मैं तरुण बोल रहा हूँ। मानव का फोन तुम्हारे पास? खैर, मानव कहाँ है? श्रवणी, वो वर्षा और सतीश में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी सिलसिले में मानव वर्षा से बात कर रहा है, और हम दोनों यहाँ। हेलो, आज भी मानव के लिए वर्षा की प्रॉब्लम मेरे पापा की इज्जत से बढ़कर है। हम सब यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं और वहाँ वो। ये आपने अच्छा नहीं किया माना। वर्षा मेरी बात सुनो, ऐसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना पागलपन है। वर्षा जीजू, आपने खुद देखा वहां पर क्या हुआ। क्या आप फिर भी चाहते कि मैं उस घर में रहूं? सतीश ने मुझ पर तुम्हारा बहुत बुरे वक्त में भी साथ दिया है। तुम आराम से बैठ के बात करो, हो सकता है वर्षा तुम गलत हो। उसकी आई से इस तरह से बात नहीं करती। आप ये कह रहे, आप तो जानते हैं उसकी आई ने मुझ पर किस तरह के इल्जाम। जानता हूँ वर्षा, बस मैं, मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में तुम्हारी गृहस्थी ना। जीजू प्लीज, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ मत समझाइए, मुझे कुछ नहीं समझना है। ऑटो।
अभिनव। बेटा मैं टैक्सी लेकर आया हूं। विनोद तुम अंदर जाकर देखो सामान ठीक से पैक हो रहा है कि नहीं। हाँ मैं यहां रुककर लोडिंग करवाता हूं। जाओ बेटे जाओ। पता है जैसा हम दोनों चाहते थे ना बिल्कुल वैसा हो रहा है। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है और नए घर में जा रही हूँ। देख कल सुबह तू भी वहाँ पर चली आना ठीक है? ठीक है। आई अरे क्या हुआ तुझे? तेरी आवाज इतनी डल डल क्यों लग रही है? कुछ परेशानी है तो मुझे बताना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो मौसम थोड़ा सा बदल गया है ना तो तबीयत थोड़ी सी नरम गरम है। पक्का ना? देख तू अपनी ये भागा दौड़ी अभी बंद कर। हाँ काम थोड़ा कम किया कर और आराम कर। चल मैं फोन रखती हूँ कल सुबह मिलते हैं ठीक है? अब मुझे एक मिनट। तूने सारा सामान ठीक से पैक कर लिया है ना? तेरी कमाई की एक एक चीज अपने साथ लेके जाना। वहाँ कुछ मत रखना समझी? हाँ ये सब कुछ रख लिया है। अब मैं फोन रखूँ? चल बाय। आत्या हम सब कहाँ जा रहे हैं? हम सब कहीं नहीं जा रहे पुन्नी। आप जा रहे हो अपने आई बाबा के साथ अपने नए घर में। मैं क्यों जा रही हूँ? आप और आजी नहीं आओगे? मैं रात को किसके पास सोऊंगी? मुझे कहानी कौन सुनाएगा? मुझे कहानी सुनाए बगैर नींद नहीं आती। ओ दादा इसके बाद ये टीवी भी उठाकर लेकर जाना। मंजू ये क्या बोल रही हो तुम? टीवी लेकर जाने की क्या जरूरत है? टीवी इस घर का है, इस घर में ही रहने दो। विनोद मैंने माना कि ये टीवी इस घर का है लेकिन तुम तो जानते ही हो ना इसके पैसे तो मैंने ही भरे थे ना। और ये टीवी मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रही हूँ, पुन्नी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम तो जानते हो उसे टीवी का कितना शौक है, उसके कार्टून्स, उसकी फिल्में, उनके बिना तो वो रह ही नहीं सकती है। वहां मुझे रो रो कर परेशान कर देगी वो। टीवी होगा तो सब अच्छा होगा। और आई आप टेंशन मत लो, अगले महीने जब विनोद की सैलरी आ जाएगी ना तो मैं आप लोगों के लिए एक पोर्टेबल टीवी खरीद कर भिजवा दूंगी। वहनी क्या जरूरत है टीवी? क्या इस घर में जो जो चीज आप अपने पैसों से लेकर आई है ना सारी चीजें लेकर जाए। एक मिनट। अरे वैशु एक मिनट वहनी। क्या है ये सब? तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैंने कहा ना कि ये टीवी मैं पुन्नी के लिए लेकर जा रही हूँ। वहनी मैं आपकी बात का कहाँ गलत मतलब निकाल रही हूँ? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जो जो चीजें इस घर में अपने पैसे से लेकर आई है ना वो सारी चीजें लेकर जाए। और हाँ हम लोग के लिए टीवी भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं, हम टीवी बगैर भी मैनेज कर लेंगे। जब भी हमारे पास पैसे आएंगे ना हम उस पैसे से अपना टीवी खरीद। वैशु तू दादा आप इस मामले में कुछ ना ही बोलिए तो बेहतर रहे। दादा ये सारी चीजें लेकर जाइए, मैं और भी चीजें लेकर आती।
आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां या हो दूरियां बस प्यार है।